सर जी ये सब तो पहले मेन मेन्यू में आना है, ठीक है। लॉक ओपन करना है DVR का। लॉक ओपन करने के बाद नेटवर्क, नेटवर्क में सबसे ऑप्शन ऊपर जो है TCP/IP, ये आपने आना है मॉडिफाई में। मॉडिफाई में अपना DHCP को अनेबल करना है, ओके। बाहर भी DHCP को प्रेफरेंस इसको अनेबल ऑटोमेटिक कर देना है, और ये नीचे अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपने इंटरनेट की तार लगी होनी चाहिए, और P2P में आएंगे तो यहाँ पर ऑफलाइन की जगह फ़ौरन स्टेटस ऑनलाइन हो जाएगा। और इन केस अगर फिर भी ऑफलाइन रहता है, थोड़ी देर इसको छोड़ना है या DVR को रिस्टार्ट कराना है, तो ये आपका ऑनलाइन इधर स्टेटस आ जाएगा। जब ऑनलाइन स्टेटस आ जाए तो फिर आपने QR कोड स्मार्ट PSS एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर QR कोड ये स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसका ये सीरियल नंबर आपकी ऐप में आ जाएगा, और ऐप में आने के बाद उसका